नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है और भारत अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। आपको याद होगा कि भारत पहले रूस के साथ FGAF और जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट था उसका हिस्सा था, लेकिन रूस ना तो भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर रहा था और ना ही भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार था। तो दोस्तों, भारत ने अपना खुद का एमका प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा था, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को गोली की रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स DRDO और HAL और सरकार पूरी तरह से आगे बढ़ाना चाहती है। जो एमका पहले 2025 या 26 में दिखने वाला था, यानी कि इसका पहला प्रोटोटाइप 25 या 26 में दिखने वाला था, उसे अब मतलब कि जल्द से जल्द 2024 में आपको देखने को मिलेगा और 2030 की बजाय 2029 में सेना को इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। और भारत के पास एमका के लिए 70 से 75% टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिज़ाइन भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इंजन की जरूरत को देखते हुए भारत जल्द से जल्द इस कमी को दूर करना चाहता है। अमेरिका, फ्रांस, UK के साथ भारत की बातचीत चल रही है और भारत अब तेजस जैसी गलती एमका में नहीं दोहराने वाला है, क्योंकि हमारा जो तेजस है वो पिछले 40 साल से अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब भारत इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा और भारत ने जो ब्रिटेन की रोल्स रॉयस है उसके साथ भी 110 किलो न्यूटन इंजन पर बात को कंप्लीट कर लिया है और तब तक भारत जो 90 किलो न्यूटन के F41 जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो इंजन है उनका इस्तेमाल करेगा और ये इंजन से जो साउथ कोरिया का KFX प्रोजेक्ट है उसमें भी लगने वाले हैं। एमका के लिए स्वदेशी हथियार भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। रही बात केवल एक कमी थी जो अस्त्रा मिसाइल है, उसकी कमी को भी भारत जल्द से जल्द दूर कर लेगा, क्योंकि भारत के पास मिसाइलों की टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो भारत को उनमें अपग्रेड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब दूसरी बात आ जाती है, भारत ने अब F-35 और SU-57 पर भी क्या मतलब भारत इनको लेगा या नहीं लेगा। तो दोस्तों देखिए, SU-57 तो लगभग भारत के जो इंडियन एयरफोर्स है उससे बाहर हो चुका है, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से स्टेल्थ है, उसके इंजन्स जो हैं वे भी बाहर हैं, उसमें इंटरनल वेपन वे इतना कुछ खतरनाक नहीं है। और अब बारी आ जाती है F-35 की। तो देखिए दोस्तों, पहले भी इंडियन एयरफोर्स साफ कर चुके हैं कि वे किसी भी दूसरे देश से एक मतलब कि फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं मंगवाएंगे और अपने खुद के एमका को डेवलप्ड करेंगे जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों, अब आपको जैसे कि हालात को देखते हुए चीन के साथ हमारा जो तनाव है उसको लेकर कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि भारत F-35 ले सकता है और भारत को इसकी ज़रूरत भी है। तो देखिए दोस्तों, F-35 को लेना इतना भी आसान नहीं है। अगर भारत उसकी मतलब कि थोड़ी संख्या में उसको लेता है तो उसके लिए 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक भारत का पहला प्रोटोटाइप भी आ चुका होगा और शायद MMRC डील भी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों, हमारे पास 36 राफेल भी आ चुके होंगे तब तक। और अब बात कर लेते हैं MMRCA से। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो MMRCA डील है उससे भी भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत ने उसमें जो कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट है वो इस हिसाब से रखी है कि भारत को इंजन और जो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है वो किसी हद तक मिले और भारत उस टेक्नोलॉजी को अपने एमका प्रोजेक्ट में लगाएगा और उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको बनाएगा। वैसे भी भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में फाइटर जेट को लेकर आ चुकी है, तभी तो भारत चार चार प्रोजेक्ट भारत ने चला रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत मतलब कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये पिछली सरकारों की कमी थी कि ना तो फंड देते थे और ना ही जो मतलब कि प्रोत्साहन बढ़ाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।